नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से सदैव भरी रहें। तो दोस्तों, बात करेंगे यदि सपने में आप किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिना वस्त्र के देखते हैं, बिना कपड़े के देखते हैं, और खासकर यदि आप किसी महिला को बिना कपड़ों के देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें यदि आप खुद को बिना वस्त्र के देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। अब इस वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि यदि आप किसी अन्य व्यक्ति, महिला, पुरुष, किसी को भी, या बच्चों को, किसी को भी यदि आप बिना वस्त्र के देखते हैं तो ये सपना क्या बताता है। देखिए, साइकोलॉजिकली रूप से सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, या कुछ लोगों के द्वारा हमें रिजेक्शन मिलता है, मतलब लोग हमारे विचार को या हमें रिजेक्ट कर देते हैं या हमारे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या हम दूसरों तक अपनी बात को ढंग से नहीं पहुंचा पाते हैं, या हमारे अंदर कोई गिल्ट की फीलिंग रहती है, या हमारे अंदर स्वतंत्रता पाने की जब इच्छा बहुत ज़्यादा बलवती हो जाती है, तब भी हमें ऐसे सपने आते हैं जिसमें हम दूसरों को बिना वस्त्र के देखते हैं। और आपको ऐसे सपने तब भी बहुत बार आते हैं जब अपने आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो बदलाव आपके लिए पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन आप अपने आप को सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तब अपने आप को या दूसरों को, खासकर दूसरों को, आप बिना वस्त्रों के सपने में देखते हैं। और यदि एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो सपने में विशेष रूप से किसी महिला या पुरुष को यदि आप बिना वस्त्रों के देखते हैं और खासकर बार बार देखते हैं तो सपना साइकोलॉजिकल रीजंस के अलावा एस्ट्रोलॉजिकली यह बताता है कि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि निकट भविष्य में आपको किसी बीमारी या परेशानी का सामना करना पड़े। यदि आपको ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं और आप बिल्कुल इनका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपनी इष्ट की पूजा पाठ को बढ़ा दें, अपने इष्ट के प्रति समर्पण रखें और दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने की जबरदस्ती ना करें। अपने आप को समझाने का प्रयास करें, शांत रहने का प्रयास करें और निश्चित रूप से मेडिटेशन करें, यह आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।